हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 15 मार्च का करंट अफेयर करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है आई टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नए कप्तान कौन बने हैं तो आर के नए कप्तान बने हैं फाफ डू प्लेसिस इन्हें विराट कोहली के स्थान पर नियुक्त किया गया है देखिए इस बार का जो आईपीएल होने वाला है यह संस्करण है याद रखिएगा पिछले संस्करण का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था के, -के को हरा पहले आईपीएल में आठ टीमें हुआ करती थी दो नई टीमें शामिल हो गई हैं कुल टीमों की संख्या हो गई है दस और प्रत्येक टीम से तीन बातें याद रखिएगा चलिए जानते हैं दो नई टीमें हैं लखनऊ सुपर जायट्स और गुजरात टाइटंस इन दो नई टीमों के बारे में खास करके ध्यान देखिए लखनऊ सुपर जैंट्स के कप्तान हैं के एल राहुल बने हैं हेड कोच बने हैं एनडी फ्लावर इस टीम का मालिक है आरपी संजीव गोयन का ग्रुप गुजरात टाइटन्स के कप्तान बने हार्दिक पांड्या हेड कोच बने हैं आशीष नेहरा मालिकाना हक सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स के पास हैं मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं रोहित शर्मा हेड कोच हैं महिला जयवर्धने मालिकाना हक रिलायंस इंडस्ट्री के पास है चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी हेड कोच हैं स्टीफन फ्लेमिंग मालिकाना हक इंडिया सीमेंट के पास है कोलकाता नाइट राइडर्स के हाल ही में नए कप्तान बने हैं श्रेयस अय्यर। हेड कोच हैं ब्रेंडन मैकुलम मालिकाना हक रेड चिलीज इंटरटेनमेंट और मेहता ग्रुप के पास हैं रेड चिलीज इंटरटेनमेंट जो है ये शाहरुख खान की कंपनी है पंजाब किंग्स के हाल ही में नए कप्तान बने हैं मयंक अग्रवाल हेड कोच हैं अनिल कुंबले मालिकाना हक चार लोगों के पास हैं प्रीति चिंटा नेस वाडिया मोहित बर्मन और करण पॉल दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान है ऋषभ पंत हेड कोच रिकी पॉन्टिंग है मालिकाना हक जे एस ग्रुप के पास है राजस्थान रॉयल्स जो कि आईपीएल की पहली चैंपियन है 2008 में आईपीएल की शुरुआत की गई थी तो प्रथम चैंपियन बना था राजस्थान रॉयल्स ठीक है इसके वर्तमान में कप्तान है संजू सैमसन हेड कोच हैं ट्रेवर पेन्ने मालिकाना हक मनोज बदाले के पास है सनराइजर हैदराबाद के कप्तान हैं केन विलियमसन हेड कोच हैं ट्रेवर बेलिस मालिकाना हक सन ग्रुप के पास है अंत में जानते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इसके कप्तान बनाए गए हैं फाफ प्लेसिस हेड कोच हैं संजय बांगड़ और मालिकाना हक यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के पास है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं ऋषभ पंत ऑप्शन बी राइट आंसर इन्होंने कपिल देव के 30 गेंद के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है ऋषभ पंत ने मात्र 28 गेंद में अर्धशतक जड़े हैं वो भी टेस्ट क्रिकेट में ठीक है अभी देखिए हाल ही फिलहाल में खेल से रिलेटेड जो भी नए रिकॉर्ड्स बने हैं इन्हें याद रखिएगा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में अर्धशतक जड़ने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है ऋचा घोष सबसे अधिक छह बार क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली विश्व की प्रथम महिला क्रिकेटर बन गई हैं मिताली राज जो कि वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं और इस बार जो है महिला विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड में किया जा रहा है न्यूजीलैंड में खेलते ही मिताली राज ने ये उपलब्धि हासिल कर ली है महिला क्रिकेट विश्व कप में सबसे अधिक मैचों में कप्तानी करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं मिताली राज इनका नाम दो रिकॉर्ड हो गया है एक वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है भारत फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू मैच में तेहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं शाकेबुल गनी बिहार से बिलोंग करते हैं दो बार वेमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं स्मृति मंधाना नेक्स्ट हाल ही में चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है तो देखिए चिली जो है ये दक्षिणी अमेरिकी कंट्री है चिली के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल बोरिक ऑप्शन डी सही उत्तर है चिली की बात करें तो इसकी राजधानी है सेंटियागो संसद का नाम है नेशनल कांग्रेस और यहां की करेंसी का नाम है पेसो पेसो जो करेंसी है और भी देशों में चलती है जैसे कि अर्जेंटीना कोलंबिया डोमिनिकन रिपब्लिक क्यूबा फिलीपींस और मेक्सिको अभी देखिए इस क्वेश्चन का टाइप था राष्ट्रपति नियुक्ति तो हाल ही फिलहाल में जो भी नए नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं इन्हें भी याद रखिएगा हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं कैटलिन नोवाक एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं काजा कलास ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं नजला बॉर्डेन रोमधाने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं यून सुक एओल चेक रिपब्लिक के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं पेत्र फियाला निकारगोवा के नए राष्ट्रपति बने हैं डेनियल ओटेगा लगातार चौथी बार इटली के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मारियो द्राहगी पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं पेड्रो कैस्टिलो ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम रईसी कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं शेख सबा अल खालिद अल सबा मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं इस्माइल साबरी याकूब हैती के नए, नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं एरियल हैनरी तो देखिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा सबको ध्यान रखिए चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया गया तो देखिए हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाया जाता है 14 मार्च को इस बार का ये तीसरा संस्करण है पहली बार ये दिवस मनाया गया था 2020 में अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस को पाई दिवस भी कहा जाता है और पाई का मान कितना होता है गणित में तीन दशमलव एक चार या फिर बाईस बटे सात इसी वजह से ये जो मान होता है तीन दशमलव एक चार इसी वजह से चौदह मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है पाई की खोज किसने की थी आर्किमिडीज ने देखिए चौदह मार्च को अल्बर्ट आइंस्टीन की जयंती भी मनाई जाती है अच्छा चौदह मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस अब यहाँ पे दो फैक्ट्स और याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस चौदह मार्च को मनाया जाता है वहीं वर्ल्ड मैथ्स डे यानी विश्व गणित दिवस ये मनाया जाता है तेईस मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस का बात चले तो चौदह मार्च को वहीं विश्व गणित दिवस की बात करें तो तेईस मार्च को यह दिवस मनाया जाता है वहीं भारत में नेशनल मैथमेटिक्स डे हर साल बाईस दिसंबर को मनाया जाता है ठीक है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 का थीम है मैथमेटिक्स फॉर ए बेटर वर्ल्ड चलिए अगला क्वेश्चन है रिटेल कंपनी बिग बाजार का नया नाम क्या है देखिए बिग बाजार का नाम बदल गया है अब इसका नया नाम है स्मार्ट बाजार ऑप्शन ए सही उत्तर है बिग बाजार की पेरेंट कंपनी फ्यूचर ग्रुप है अब फ्यूचर ग्रुप से बिग बाजार को खरीद लिया है रिलायंस इंडस्ट्री ने और रिलायंस इंडस्ट्री ने बिग बाजार का नया नाम रखा है स्मार्ट बाजार ठीक है बिग बाजार की स्थापना की गई थी 2001 में और इसके संस्थापक हैं किशोर बियानी अब इसी तरह से हाल ही फिलहाल में जो भी बदले गए नाम हैं इन्हें भी याद रखिएगा एयरलाइन कंपनी गो एयर का नया नाम है गो फर्स्ट हरियाणा का हिसार हवाई अड्डे का नया नाम रखा गया है महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नया नाम है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का नया नाम है प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन मिड डे मील योजना जो केंद्र की योजना है इसका अब नया नाम है पीएम पोषण आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है इसका नाम पड़ा है नीरज चोपड़ा स्टेडियम ये टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता हैं एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था काकोरी ट्रेन डकैती इतिहास का यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो देखिए इसके पहले हम लोग पढ़ते थे काकोरी कांड या फिर काकोरी ट्रेन डकैती अब इसका नाम बदलकर रखा गया है काकोरी ट्रेन एक्शन चलिए अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन गेमिंग कंपनी माई इलेवन सर्कल के ब्रांड एम्बेस्डर कौन बने हैं क्रिकेटर शुभमन गिल और रितु राज गायकवाड ये दोनों माई इलेवन सर्कल के नए ब्रांड एम्बेस्डर बनाए गए हैं हाल ही में ल्यूपिन लिमिटेड की शक्ति अभियान के ब्रांड एम्बेस्डर बनी भारतीय बॉक्सर मैरी कॉम डिश टीवी इंडिया के ब्रांड अम्बेस्टर बने हैं ऋषभ पंत थम्सअप और ऑनलाइन गेमिंग ऐप ए टू थ्री के ब्रांड अम्बेस्टर बने हैं शाहरुख खान बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड अम्बेस्टर बनी हैं शेफाली वर्मा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड अम्बेस्टर बने हैं रानी रामपाल और स्मृति मंदाना कोइन डीसीएक्स एमए इंडिया और मेडी बडी के ब्रांड अम्बेस्टर बने हैं अमिताभ बच्चन कोइन स्विच कुबेर के ब्रांड अम्बेस्टर हैं रणवीर सिंह देखिए कोइन डीसीएक्स

यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज ने सौवीं वर्षगांठ मनाई ये संस्थान कहाँ पर स्थित है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसे याद रखिएगा क्योंकि भारत में ये अपनी तरह का पहला संस्थान है राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज तो हाल ही में इसने 13 मार्च को सौवीं वर्षगांठ मनाई ये संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में है ऑप्शन सी राइट आंसर इस संस्थान की स्थापना 13 मार्च 1922 को तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स किंग एडवर्ड अस्टम ने की थी सौवीं वर्षगांठ के अवसर पर देहरादून में एक समारोह का आयोजन भी किया गया इस समारोह का शुभारंभ किए उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ठीक है और ध्यान रखिएगा हाल ही में इस संस्थान ने पहली बार लड़कियों की भर्ती शुरू की है इसके पहले इसमें सिर्फ लड़कों की भर्ती की जाती थी अभी हाल ही में इसमें पहली बार लड़कियों की भर्ती भी शुरू की गई है नेक्स्ट भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कौन बनी है तो भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड ऑप्शन डी राइट आंसर जो कि कोलकाता स्थित कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी है यह भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल एक मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड की स्थापना उन्नीस में की गई थी मुख्यालय ओडिशा के संबलपुर में है वर्तमान में इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ओ पी सिंह नेक्स्ट हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित कविता मानसून के लेखक कौन हैं तो हाल ही में साहित्य अकादमी ने एक कविता प्रकाशित की है इसका नाम है मानसून इसके लेखक हैं अभय के ऑप्शन ए सही उत्तर है। साहित्य अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 12 मार्च उन्नीस को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इसी अकादमी द्वारा दिया जाता है साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है साहित्य अकादमी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर कंबारा और साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू नेक्स्ट केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किस बैंक को राशि पुरस्कार दो हज़ार से सम्मानित किया है तो देखिए हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक को राशि पुरस्कार दो हज़ार से सम्मानित किया गया है लिए स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तो ऑप्शन बी राइट एंसर गिरिराज सिंह के पास दो मंत्रालय है केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय जम्मू और कश्मीर बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1938 में की गई थी संस्थापक थे महाराजा हरि सिंह जो कि जम्मू कश्मीर के अंतिम राजा थे मुख्यालय श्रीनगर में है इस बैंक के एमडी और सी हैं वर्तमान में बलदेव प्रकाश नेक्स्ट स्वीडिश संस्थान वी द्वारा जारी लिबरल डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है तो वी लिबरल डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत तिरानवेवें स्थान पर है ऑप्शन डी सही उत्तर है और इस इंडेक्स में एक देशों को शामिल किया गया जिसमें भारत तिरानवेवें स्थान पर है और स्वीडन पहले स्थान पर है नेक्स्ट हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर ग्यारहवें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया तो हाल ही में ग्यारहवें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया अहमदाबाद में गुजरात के अहमदाबाद में ऑप्शन सी राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी गुजरात का सीएम हुआ करते थे उस समय 2010 में इन्होंने खेल महाकुंभ की शुरुआत की थी बहुत सारे खेलों का आयोजन किया जाता है इस महाकुंभ के दौरान इस बार का ये ग्यारहवा संस्करण है आयोजित किया जा रहा है अहमदाबाद में ठीक है अहमदाबाद जो शहर है ये साबरमती नदी के किनारे हैं नेक्स्ट भारतीय मानक ब्यूरो यानी बी द्वारा प्रमाणित होने वाली दुनिया की पहली लीनियर एल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी कौन बनी है तो देखिए बी द्वारा प्रमाणित होने वाली दुनिया की पहली लीनियर एल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी बन गई है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड जो कि चेन्नई में स्थित तो है तो ऑप्शन ए सही उत्तर है भारतीय मानक ब्यूरो की बात करें यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इसकी स्थापना की गई थी 23 दिसंबर 1986 को मुख्यालय दिल्ली में है वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं प्रमोद कुमार तिवारी और भारतीय मानक ब्यूरो का आदर्श वाक्य है मानक पथ प्रदर्शक ये मानकह होगा मनाका नहीं होगा मानकह होगा ठीक है आप सभी लोग एडिट कर लीजिए चलिए अगला क्वेश्चन भारतीय रेलवे का पहला गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहां पर शुरू किया गया है तो भारतीय रेलवे का पहला गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है थापर नगर में, जो कि झारखंड में है ऑप्शन डी है। और इस टर्मिनल को किसने शुरू किया है आसनसोल डिवीजन ने भारतीय रेलवे के आसनसोल डिवीजन ने भारत का पहला शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया है झारखंड के थापर नगर में भारतीय रेलवे की बात करें तो देखिए पूर्ण रूप से विद्युतीकृत होने वाला देश का पहला रेलवे जोन बन गया है पश्चिम मध्य रेलवे 100 सौ प्रतिशत सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है चेन्नई स्थित प्राचीन थलाइवर डॉक्टर एम जी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन ये भारत का सबसे लंबा नाम वाला रेलवे स्टेशन है भारत की पहली स्वदेशी रूप से ड्राइवरलेस मेट्रो कार का निर्माण किया है कपूरथला स्थित रेलवे कोच फैक्ट्री ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला पॉड होटल शुरू किया गया है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थापित किया जा रहा है इसकी ऊंचाई होगी तीन मीटर निजी टूर ऑपरेटरों को ट्रेन लीज पर देने के लिए भारतीय रेलवे ने एक योजना शुरू की है इसका नाम है भारत गौरव योजना वर्तमान में रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ हैं विनय कुमार त्रिपाठी नेक्स्ट राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी एन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए चेयरमैन बनाए गए हैं अजय भूषण पांडे ऑप्शन बी राइट आंसर तीन वर्ष की अवधि के लिए इनकी नियुक्ति की गई है किसके स्थान पर अशोक कुमार गुप्ता के स्थान पर अशोक कुमार गुप्ता वर्तमान में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी एक अक्टूबर दो अठारह को तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का करंट अफेयर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना अब डेली की तरह फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए पहला क्वेश्चन है पंजाब के नए सीएम कौन बने हैं भगवंत मान जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं फिलिस्तीन में भारत के किस राजदूत का हाल ही में निधन हो गया मुकुल आर्य जस्टिस विपिन सांघी किस हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं दिल्ली हाईकोर्ट के खतियान एवं मानचित्र सहित डिजिटल भूमि दस्तावेज दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है बिहार वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है पीटर यूबेरोथ और डिक फेरिस को इसमें डिक फेरिस को मणोप्रांतीय पुरस्कार दिया गया है तेरह मार्च से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर साहित्य के प्रभाव पर राष्ट्रीय संगोष्ठी दो हज़ार कहाँ शुरू हुआ है दिल्ली में इसका आयोजन किया गया महिला क्रिकेट विश्व कप के सबसे अधिक मैचों में कप्तानी करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है मिताली राज सुप्रीम कोर्ट ने चार धाम महामार्ग विकास परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है ए के सिकरी को जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं किस राज्य की सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प शुरू की है त्रिपुरा ने कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की एमडी और सीईओ कौन बनी है भा नरसिमहन रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं देवाशीष पांडा हाल ही में भारत के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहां पर किया गया मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अब लास्ट क्वेश्चन का आंसर जानिए पहला क्वेश्चन था मिथन त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है तो मिथन त्यौहार मनाया जाता है नागा जनजाति द्वारा नागालैंड में ठीक है नागा जनजाति नागालैंड में पाई जाती है वासी जनजाति लक्षद्वीप में बोडो जनजाति असम में और सेंट लीज जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है दूसरा क्वेश्चन था आयर झील किस देश में स्थित इस है इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में है तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के बारहवें प्रेसिडेंट फ्लिट रिव्यू 2022 का आयोजन कहां पर किया गया दूसरा क्वेश्चन है भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग की खुदाई कहां पर की गई है दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर